हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग कैसे जो है अपने जो आपका दोस्तों यहां पर फ़ोन फोटो होता है, ठीक है, जो आपका फ़ोटो होता है दोस्तों उसे आप लोग अपने जीवन भर के लिए कैसे जो है आप लोग अपना जो है सेव करके रख सकते हैं, यानी जीवन भर दोस्तों आप लोग जो है अपने लाइफ टाइम तक जो है आसानी से अपने फ़ोटो को सेव करके रख सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर कैसे क्या करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहां पर आपको जो है फोटो को लाइफ टाइम तक जो है सेव करने के लिए, देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग अगर सेव कर देते हैं ना तो दोस्तों वो फोटो रहेगा हमेशा के लिए रहेगा, आपकी गैलरी से फोटो डिलीट हो जाएगी बट वहां से दोस्तों डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग किसी भी अपने जो है पर्सनल फोटो को इस तरीके सेव कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके फ़ोन में दोस्तों एक जो है एप्लीकेशन दिया रहता है वो होता है गूगल फोटोज़, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या है, गूगल फोटोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो सिंपल दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर काफ़ी आपके फ़ोटो जो भी यहाँ पर दोस्तों पुराने फोटोज़ रहेंगे ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आपको जैसा कि दोस्तों अपने फ़ोटो को, ठीक है, आपको अपने मतलब सेव करके रखना है तो आपको सिंपल करना क्या होगा, आपको सिंपल क्या करना है अपने उसी फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, ढेर सारे ऑप्शन जैसा कि देख सकते हैं। सिंपल आपको दोस्तों फिर से क्या करना है, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आएंगे तो आपको सिंपल दोस्तों करना क्या है, ऊपर में यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। अभी दोस्तों ये फोटो लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई और एक फोटो को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे ले लेते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हमें जो है ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक फ़ोटो को यहाँ पर ये वाला ले लिया, ठीक है। अब हम सिंपल करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों आ गए तो ऊपर में दोस्तों यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे बीच में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमें दोस्तों ये ऑप्शन मिल रहा है। हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करेंगे और फाइनली अपलोडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा फोटोज़ है ना ये दोस्तों अपलोड होने लगा, यानी दोस्तों कुछ देर में ये जो हमारा फोटो है वो आसानी से सेव्ड हो जाएगा और दोस्तों ये जो है हमारा फोटो कभी भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर हम जब तक अपने फ़ोन को यहाँ पर यूज करेंगे ना और कोई भी अपनी गैलरी से फोटो को डिलीट करते हैं बट वो जो फोटो है वो दोस्तों यहाँ पर कभी भी डिलीट नहीं होने वाला है। बहुत आसानी से इस तरीके से आप लोग आसानी से किसी भी फोटो को जो है अपने फोटो को यानी जो है कोई भी फोटो आपका होगा उसे आसानी से आप लोग सेव्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से सेव कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।